हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। तो गाइस, फाइनली मेरा जो एडिटिंग ऐप है वो आईफोन में सेव कर चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको अच्छी तरह से अभी तक एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। कल ही मैं ये का जो ऐप है मैं डाउनलोड कर चुका था, बहुत तकलीफ हो रहा था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला वाला जो मोबाइल था वो मोबाइल एक्चुअली खराब हो गया, इसलिए उस मोबाइल से भी मैं एडिट करके या फिर वीडियो शूट करके मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो नया मोबाइल है इसीलिए कोशिश कर रहा था कि अच्छी तरह से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, आज मैं निकलूंगा अपने गांव में निकलूंगा, आज कुछ काम से एक्चुअली जा रहा हूं। सो इसीलिए उम्मीद करता हूं एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए ला सकूंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अभी तो जाने का टाइम नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 11 AM को हम लोग यहाँ से निकलेंगे विथ माई फैमिली। जब जाऊंगा तो मैं आपको जरूर वीडियो जो है मैं अच्छी तरह से बना के कल तक उम्मीद करता हूँ वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। एक्चुअली नया सेल है, नया मोबाइल है, वो भी आईफोन है, और ऊपर से आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी एकदम नया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से एडिटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ अगर इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग काइंडली मुझे माफ कर दीजिएगा, और बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था इसीलिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बहुत बहुत मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर मैं एडिटिंग अच्छी तरह से सीख लिया तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी वीडियोस में लाते रहूंगा आप सभी के लिए। तो आज का वीडियो जो है आप एंजॉय करिए, थैंक यू। अभी आदाबारी पहुंच चुका है, आदाबारी से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए 40 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान खरीद रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे।
अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एक्चुअली मम्मी और पापा एक काम से यहाँ पे रुक गए हैं, काजबारी बोल के जगह का नाम है, वहाँ पे रुक गए हैं। तो यहाँ से हम लोग का तकरीबन 10 किलोमीटर होगा, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपना डेस्टिनेशन तक। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था आज का जो जर्नी है, एक छोटा सा जर्नी था, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, क्योंकि मैं अभी तक इस आईफोन से मैं अभी तक वीडियो नहीं किया हूँ, और उसके बाद जो एडिटिंग है, नया एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट ये वीडियो आप लोग देख के कैसा लगता है आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसी सॉफ्टवेयर से मैं आगे भी जितना वीडियोज है मैं सब बनाने की कोशिश करूँगा। गांव का जो एनवायरनमेंट है वो देख के हमको दिल खुश हो जाता है। लोकल चिकन फार्म आपको मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे 1000 चिकन है। मैं जब आया था इससे पहले जब मैं गांव में आया था तभी 1100 चिकन का बच्चा था, तो वो सब अभी बड़े हो गए हैं और कुछ दिन बाद ये जो चिकन है बेच सकेंगे, बेचने की उम्र हो जाएगी। सो देख के बहुत मजा आता है, और एवरीवेयर इज थान ही थान। और अभी तो यहाँ का जो धान है वो अभी काटना शुरू हो गया है और पक भी चुके हैं, पूरा गोल्डन कलर की फील्ड हो गया है, फार्मलैंड हो गया है। पहले मैं जब आया था तब छोटा छोटा था धान का खेत, भी बड़ा हो गया, काटने की उम्र भी होगी, और अभी आप लोग देख सकते हैं हरियाली से लेके गोल्डन कलर तक कन्वर्ट हो गया है। इट्स अमेजिंग। Look at the scenery, कसम से बोलता हूँ, it's amazing, looking amazing. And this pond is very, very, very nice because यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे मछली है जो बहुत बड़ा भी है और छोटा मछली भी है, इसीलिए बहुत amazing है। और यहाँ का local तालाब का जो local pond का जो fish होता है वो खाने में भी बहुत लजीज और tasty होते हैं। बस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई एफ एम, बाय।